अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी पापड़ी की रेसिपी। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है ये। आवाज़ सुने आप, रमज़ानों में हम लोग बहुत शौक से दही बड़े और छोलों के ऊपर डाल के इसको खाते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो आप लोग भी इसे बनाकर ट्राई करिएगा। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी पापड़ी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चले फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप दें। पापड़ी बनाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो चाट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं दही बड़ों में, छोलों में, तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप। ये वाला इससे लिया है कप से नाप के, सबके घर में होता है ये वाला कप। 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी इसमें, 1 टीस्पून अजवाइन, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। 4 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, 1 टेबल स्पून बचा लिया मैंने, ऊपर से लगा के रखूंगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। इस तरह से मसल मसल के इसको करना है भी। ये मैंने ऑयल वगैरह डाल के मिक्स कर लिया है। इस तरह से ये जुड़ना चाहिए, अगर ये सही नहीं जुड़ रहा तो फिर आप ऑयल और डालें। नीम गरम मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसकी डो बना लूँगी। सख्त, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा डालना है पानी, एकदम से नहीं डालना, नरम डो होगी तो फिर सही नहीं बनेंगी। पापड़ी की डो मैंने बना ली है और ये सख्त गूंदा है आटा, आप देख सकते हैं कितना सख्त है ये। ऊपर से मैं ऑयल लगा दूंगी ताकि ड्राई ना हो। और ये मैंने कपड़ा गीला किया हुआ है, नम किया हुआ है, इससे ढक रही हूँ मैं इसको। 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट देने के लिए रख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए डो को रख दिया था मैंने रेस्ट के लिए, अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये सख्त है डो, आप देख सकते हैं। अब इसके मैं 2 पेड़े बना लूँगी। ये मैंने पेड़ा बना लिया है, एक और बना लूँगी इसी तरह। डो इसकी सख्त रखनी पड़ेगी जब सही बनेंगी है। रोल करूंगी इसे मैं। ये मैंने इसको बेल ली है और इसकी किनारे देखें आप, इतनी पतली होनी चाहिए, सब तरफ से एक जैसी होनी चाहिए किनारे वगैरह, ये देखें। अब इस पर फोक से निशान लगाऊंगी ताकि ये फूले नहीं फ्राई करते वक्त। मैंने निशान लगा लिए हैं पूरी इस पे, रोटी पे। अब इसकी कटिंग करूंगी। ये कटर लिया है मैंने, स्टील का कटर है ये। अगर ये नहीं है तो प्लास्टिक के किसी ढकने से या फिर स्टील के ग्लास से कटिंग कर सकते हैं, आसानी से हो जाती है। ये मैंने कटिंग कर ली है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। ये हटा देंगे इसका ये वाला। ये मैंने सब निकाल ली है इसकी एक्स्ट्रा जो थी, और ये दोबारा यूज़ हो जाएगी, मैं इसकी और भी बना लूँगी इसी तरह। ये मैंने कटिंग कर ली, अब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो चलें फिर इसको मैं फ्राई करती हूँ। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, ये गर्म हो गया, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। एक एक करके इस तरह से डाल दूँगी इसमें। हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई करूंगी, वरना एकदम से कलर आ जाएगा, अच्छा से गोल्डन कलर आ जाएगा, तो फिर मैं इसे निकाल लूंगी।
पलट पलट के मैं इसे फ्राई कर लूँगी ताकि अच्छे से सब जगह एक जैसा कलर आए। ये फ्राई हो रही है, अच्छा सा कलर आता जा रहा है इसका, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे और करना है। अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया, अब मैं इसे निकाल लूँगी। ऑयल निकाल देंगे इसका इस तरह। इसी तरह मैं और भी फ्राई कर लूँगी, ये और भी डालूँ फ्राई करने के लिए। ये वाला पेज भी फ्राई हो गया, मैं इसको निकालूंगी। ऑयल निकाल देंगे इस तरह। ये मैंने फ्राई कर लिया, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी पापड़ी। दही बड़े और छोलों में डाल के इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी पापड़ी आप लोग भी रमज़ान में बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। घर की बनी हुई साफ़ सुथरी पापड़ी है ये। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है ये। आवाज़ सुने आप? और इस तरह जब आप डालेंगे दही बड़े छोले और उस पर बहुत ही मज़े के लगेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली रेसिपी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और ये बहुत ही मज़ेदार सी पापड़ी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।